छत्तीसगढ़ के जम्मो खबर ला देखे बर देखत रहो आरजे न्यूज और हमर चैनल ला सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाए बर झन भूला हो। अरे राजधानी रायपुर के कोतवाली थाने में चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां पर परिवार विवाद को लेकर पति ने पत्नी के ऊपर केरोसिन डालकर उसे आग के हवाले कर दिया। यह पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र कैलाशपुरी का है, जहाँ आपसी विवाद बढ़ने के बाद पति ने अपनी पत्नी के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। बता दें कि पति ने पत्नी के ऊपर केरोसिन डालकर उसे आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद पत्नी 90% तक झुलस गई, जिसे आनंद फानंद में मेकाहारा रेफर करना पड़ा। पुलिस ने बताया कि पति पत्नी बैठकर मदिरा का सेवन कर रहे थे, जिसके बाद आपसी विवाद होने पर पति ने पत्नी के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। आपको बता दें कि आरोपी की पहली पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, जिसके बाद आरोपी ने दूसरी महिला को कवर्धा ले गया था, जिसके बाद वह उसके साथ रहता था और दोनों साथ में मदिरा का सेवन भी करते थे। पुलिस ने अपराध दर्ज कर आरोपी पति को न्यायालय भेज दिया है। थाना कोतवाली अंतर्गत कैलाशपुरी में कल एक पति के द्वारा अपने पत्नी कुंती बाई गुप्ता को जलाने का प्रयास उसने किया है। उसने मिट्टी तेल डाल के उसमें माचिस लगाया, लगाने का बात सामने आया है। अभी महिला को एडमिट करा दिया गया है, उसका कथन हुआ है। कथन में उसने बताया कि किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ और उसने मिट्टी तेल डाल के आग लगाई है, उसने बताया है। इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया, कार्रवाई की जा रही है। अब देखिए, अभी इसमें कोई मेडिकल तो हुआ नहीं है और जो भी बातें हैं उसकी जांच चल रही है कि किस प्रकार से घटना घटित हुई थी, क्या बात को लेकर विवाद है, जांच चल रही है। राजधानी रायपुर के कोतवाली थाने में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां पर पति ने पत्नी के ऊपर केरोसिन डालकर उसे आग के हवाले कर दिया। हम आपको बता दें कि यह पूरा मामला कोतवाली थाने के इलाके कैलाशपुरी का है, जहाँ पर पुलिस ने बताया कि पति पत्नी अधिकतर मात्रा में मदिरा का सेवन करके रखे थे, जिसके बाद उनके बीच आपसी विवाद के बाद पति ने ऐसा जानलेवा हमला पत्नी के ऊपर किया, जिसके बाद पत्नी को अनन फनन में मेकाहारा रेफर किया गया, जिसके बाद पत्नी 90% तक जल चुकी है। पुलिस ने बताया कि आरोपी की जो पहली पत्नी थी उसकी मृत्यु हो चुकी है, जिसके बाद वह यह दूसरी महिला के साथ रहता था, लेकिन दोनों अधिकतर मात्रा में मदिरा का सेवन करते थे और कई बार दोनों साथ में बैठकर मदिरा का सेवन करते थे। उसी प्रकार कल रात को भी उन्होंने अधिक मात्रा में मदिरा का सेवन कर रखा था, जिसके बाद अपने ऊपर से काबू खोने के बाद दोनों के बीच आपसी विवाद हो गया, जिसके बाद पति ने पत्नी के ऊपर केरोसिन डालकर उसे आग के हवाले कर दिया। कैमरामैन मिथिलेश के साथ मैं जय वाधवा, आरजे न्यूज़।